बताएंगे कि सबसे पहले श्नाइडर इन्वर्टर LTVAR 320 को कम्युनिकेट किस तरह करेंगे लैपटॉप के साथ, और किस तरह हम इस पे पैरामीटर डालेंगे, किस तरह हम इसके पैरामीटर उठाएंगे, और किस तरह हम इसको डिफॉल्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो मूव इसका सॉफ्टवेयर का नाम है। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया और वर्जन की भी इसमें सिलेक्शन होती है। हम वर्जन V2.7 के ऊपर काम कर रहे हैं। इन्वर्टर श्नाइडर का इन्वर्टर है ये LTVAR 320। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम इसको ड्राइव कनेक्शन करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग चेक की, ठीक है। फिर उसके बाद हम एडिट टू कनेक्शन करेंगे। हमारी ड्राइव ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे जाके ड्राइव सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये ऑलरेडी हमारी ड्राइव यहाँ पे सेलेक्ट हुई है। हम सबसे पहले कॉम पोर्ट वगैरह चेक कर लेंगे, एड्रेस चेक कर लेंगे, और जो हमारी ड्राइव है और जो वर्जन है वो हम चेक कर लेंगे। और अगर यहाँ पे ड्राइव कोई शो नहीं हो रही हो तो हम सबसे पहले स्कैन टू नेटवर्क करेंगे। अगर हमने स्कैन टू नेटवर्क किया, उसके बाद ये स्कैन करने के बाद जो ड्राइव आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है लैपटॉप के साथ, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अबे यार, अबे अबे।